कश्मीर में सियासी उबाल, प्रदर्शन करने जा रहे पीडीपी के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बनाए गए नए नियमों से संबंधित नोटिफिकेशन पर सियासी उबाल जारी है। सरकार के नियमों के खिलाफ पीडीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कई कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए। इससे महबूबा मुफ्ती भड़क गई और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। पीडीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में श्रीनगर स्थित पार्टी के मुख्यालय के सामने पहुंचे। यहां से एक रैली निकालने की तैयारी थी। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, श्रीनगर में पीडीपी का दफ्तर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सील कर दिया है। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आपकी नज़र में क्या यही सामान्य हालात हैं जो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं? पीडीपी के लोग कल तो जम्मू में निकले, वो ये जो जम्मू कश्मीर की जमीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है, उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के बीजेपी के पीडीपी के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीडीपी के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में न जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, न सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, न पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।